हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वंदना गुप्ता आज आपके लिए यूपी का मशहूर दाल का चीला लाई हूँ। आप देखो, ये सूखी मूंग की दाल होती है, इसको मैंने 2 घंटे भिगाया और फिर ऐसे दरदरा पीस लिया। इसमें फिलिंग के लिए ये पनीर की भुजिया बनाई है, थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च डालकर। इसमें ये दाल पीसी हुई है, थोड़ी सी बारीक नहीं पीसनी है, दरदरी पीसनी है। इसमें हम डालेंगे नमक स्वादानुसार, थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी हींग। अच्छे से मिला लेते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए कैसी होनी चाहिए, थोड़ा सा पतली भी कंसिस्टेंसी कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं, ये इसकी कंसिस्टेंसी हो जाए। इसको एक कच्ची लेना है और फिर तवे पे हिला देना है। थोड़ा सा ऑयल, जरा सा, 2 मिनट रुकिए। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, स्नैक की तरह आप खा सकते हैं। इसमें फिलिंग आप पनीर की भी ले सकते हैं, आप बिना पनीर की फिलिंग भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसमें शिमला मिर्च वाली सब्जी बनाकर भी आप इसमें फिलिंग ले सकते हैं। किनारे से आपको ये सिकता हुआ दिख जाएगा, फिर इसको पलट लेना। इतना सुंदर गोल्डन कलर आ गया है, अच्छे से दबा के सेक लेते हैं। ये मूंग की दाल का है, जल्दी बन जाता है। एक बार पलट के देख लेते हैं, अभी थोड़ा सा और। बहुत ही क्रिस्प और टेस्टी बनते हैं। मैंने उतार लिया एक और अपने दूसरा फैला लिया। इसमें मैं फिलिंग करके दिखाती हूँ आपको, कैसे आप इसको फिंगर स्नैक्स की तरह सर्व कर सकते हैं। और इसको फिर चाकू से काट। अभी एक और बन रहा है। हाँ बस अब देखिए, खाने के लिए तैयार है। ये मीठी मीठी चटनी है, ये हरी चटनी है, उसके साथ आप ये दीजिए। इसमें बिल्कुल हेल्दी नाश्ता है ये। इसमें जो है मूंग की दाल का चीला है और उसके अंदर प्याज और पनीर की भुजिया, वो बना के रोल कर रहे हैं। रोल करने के लिए, फिलिंग के लिए आप कोई और भी हेल्दी ऑप्शन ले सकते हैं, जैसे कि आप ग्रीन कैप्सिकम की सब्जी बना के भी रोल कर सकते हैं। So this is for you a very healthy breakfast.